जी सर। कर लिया ये। ये कर लिया बच्चे के नहीं, नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। ये वाला पढ़ लिया। ये पढ़ दिया नहीं कि नहीं? सर, ये भी नहीं। नहीं सर, ये भी नहीं पढ़ा। ये पढ़ना है। ये देखें बच्चे, ये पढ़ लिए। जी सर, ये पढ़ा हुआ है। ये वाला पढ़ा? यस सर, ये यहाँ सर वही तक पढ़ना। चलेंगे सब। नोट्स आपने ले लिए हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 के नोट्स लें? सर वो पीडीएफ बुक है। चलो ठीक। सर तो हमारे लिंक है उसका, आपको लिंक है उसका, आपको भी सेंड कर दूं उसका लिंक बुक का। कर दीजिएगा मुझे भी। अच्छा ये बाकी लोग माइक बंद रखिएगा, पीछे से डिस्टरबेंस ना हो, क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल की इक्वेशंस वगैरह पढ़ी थी, और उसके बाद हमने ऑटो साइकिल पढ़ा था। अभी आज का जो टॉपिक है वो डीजल साइकिल का है। डीजल साइकिल में क्या होता है, जो हीट एडिशन होती है आपकी, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। मतलब उसमें क्या हो रहा था, आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती थी। इस तरह से था, इसी तरह से था, यानी कि जिस तरह से ये आपकी कूलिंग हो रही है उसमें हीट एडिशन भी इसी तरह से होता था ऑटो साइकिल के केस में। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होती है, यानी कि प्रेशर में चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम में चेंज होता है। उसके बाद एडियाबेटिकली एक्सपेंशन होती है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और इसी तरह से कंप्रेशन हो जाती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कंप्रेस हुआ होता है, यानी कि आपके एडियाबेटिकली कंप्रेस हुई होती है। पॉइंट वन पे क्या होता है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम का पॉइंट होता है जो वी वन है। आपके इसी वी वन पे आपका जब प्रेशर चेंज नहीं होता तो आपकी हीट एडिशन होना शुरू हो जाती है, और वी टू पे आपका जाके ये कट ऑफ पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी हीट एडिशन ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ गैसेज होती है, और ये यहाँ तक मूव कर जाता है। और इस पे ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही आपकी हीट एक्सट्रैक्ट करता है और फोर पॉइंट पे आ जाता है, और फोर से फिर ये कंप्रेस होता है और ये पॉइंट वन तक रीच कर जाता है। ठीक है, अभी इसके हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ये किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या है। ये उसी तरह से सिमिलरली जिस तरह से हमने ऑटो साइकिल पढ़ा था, फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होती है, और कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग में क्या होता है, वन से टू तक एमसीपी डेल्टा टी चेंज इन हीट। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन होती है, और फिर से थर्ड स्टेज पे क्या होता है, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग हो जाती है। और इसी तरह से फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है फोर से वन तक। क्लियर है क्लास? उसमें क्या हो रहा था, ये दोनों प्रोसेस आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे थे। यहाँ पे एक क्या हो रहा है, प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। क्लियर है क्लास, ये डिफरेंस इन क्लास? क्लियर है, साथ है मेरे? यस सर। अच्छा, वर्क डन में क्या आता है, वर्क डन में आपको पता है वही सेम मेथड है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। और एफिशिएंसी आप किस तरह से निकालते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, तो वो ये इस तरह से हो जाएगा, यही है ना। इसके बाद आपको पता है कि आप कैंसिल आउट करेंगे तो एमसीपी टी टू माइनस टी वन ये इस टर्म के साथ कैंसिल होकर ये वन बचेगा, और जब इसके साथ करेंगे तो आपका मास मास से कैंसिल हो जाएगा, सी वी ओवर सी पी एज इट इज़ आ जाएगा, और टी थ्री ओवर टी फोर, टी थ्री माइनस टी फोर ओवर टी टू माइनस टी वन इसी तरह से आ जाएगा। क्लियर है? आपको पता है सी पी ओवर सी वी क्या होता है, गैमा होता है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा, सी वी ओवर सी पी इज इक्वल टू वन ओवर गैमा। तो हम इस तरह से एफिशिएंसी को लिख सकते हैं इसके। क्लियर है क्लास? यहाँ तक यस सर।
हमें पता है कंप्रेशन रेशियो क्या होती है आपकी, आपको पता है, ये देखें आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, V4 से V1 तक, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या था, लार्जर वॉल्यूम क्या था, V4, V4 टू V1 हो रहा था, तो कंप्रेशन रेशियो किस तरह से लेंगे आप, V4/V1 होगा। और कट ऑफ रेशियो क्या है, कट ऑफ रेशियो वो पॉइंट है आपको पता है वेयर हीट सप्लाइड इज स्टॉप, तो हीट सप्लाइड स्टॉप कहाँ पे हो रही थी, 0.2 पे हो रही थी, तो कट ऑफ रेशियो किस तरह से निकालेंगे, V2 जहाँ पे वो स्टॉप कर दी थी डिवाइडेड बाय V1 जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद, V1 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, इनिशियल पॉइंट है क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद जहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये कट ऑफ रेशियो V2/V1 होगी। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों टर्म्स क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके बाद आपको पता है एक्सपेंशन रेशियो क्या होगी इस केस में, एक्सपेंशन रेशियो आपको पता है एक्सपेंशन के प्रोसेस के दौरान जो होती है, तो वो V3/V2 ही होगी ना, तो V3 जो था वो आपको पता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, V3/V4 सेम है इसी तरह से था ना, V3 = V4 था क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है ड्यूरिंग हीट एक्सट्रैक्शन, तो एक्सपेंशन रेशियो के दौरान जो एक्सपेंशन के एंड पे पॉइंट है और जो आपका हीटेड एग्जॉस्ट के बाद या हीट कूलिंग के बाद है जो, वो पॉइंट भी आपका V2 है, तो ये V4/V2 हो जाएगा। क्लियर है, ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो तो वही रहेगा, लेकिन V3/V4 सेम पॉइंट है क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है उस पर। क्लियर है, इधर उसने एक्सपेंशन रेशियो को R1 से शो कर दिया। क्लियर है क्लास यहाँ तक, अभी ये तीनों रिलेशनशिप क्लियर है कि नहीं बच्चे? साथ साथ बताते रहा करें, अगर क्लियर है तो आगे चलूँ, नहीं तो फिर इधर रुक जाते। यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो में क्या किया, ये देखेंगे V4/V2, आपको पता है कि एक टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई और वही टर्म को डिवाइड करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, नेगलिजिबल, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट कर देगा, इसी तरह से होता है। तो हम लिख यस सकते सर। हैं इसके साथ मल्टीप्लाई V1 और डिवाइडेड बाई V1 लिख सकते हैं ना, ये क्यों किया है, ये इसकी रीज़न अभी आपको बताता हूँ। ये V1/V2 क्या है, V1/V2 ये देखें कट ऑफ रेशियो का रेसिप्रोकल था ना V2/V1, इसको ये यस लिख सर। सक, ठीक है, और V4/V1 क्या था आपका, ये देखें कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो लिख सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया R1, यानी कि आप एक्सपेंशन रेशियो को इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर, ओके। अगली कॉन्स्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस में 1 से 2 तक आपको पता है T2/T1 = V2/V1 है, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है वही P1/V1/T1 = P2/V2/T2। जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आपको पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम बचेंगे, तो T2 = क्या होगा, T1 × V2/V1, तो V2/V1 आपको पता है क्या होता है, वो कट ऑफ रेशियो है, तो T2 को इन टर्म्स ऑफ आप ऑपरेशन। कट ऑफ रेशियो लिख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, यस सर। सिमिलरिटी फॉर एडवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 to 3, आप T3/T2 = V2/V3^(γ-1)। ये रिलेशनशिप थे आपको पता है, जब हम मैंने आपको दिए थे कि ये दो तीन रिलेशनशिप से ड्राइव करें जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाया था, तो यस सर। ये उसी रिलेशनशिप से आपने क्या करना है, ये V2/V3 आपको पता है क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होगा आपका कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो का। क्लियर है, ये लास्ट स्लाइड पे आपको एक्सपेंशन रेशियो बताया अभी के क्या होता है, ये देखें एक्सपेंशन रेशियो क्या था, R1 = V3/V2, तो आपने उसे V2/V3 लिखा तो वो क्या हुआ, उसका रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो इसकी पावर हुई γ-1 रही, तो ये आपने जो पिछले स्लाइड में अभी लिखा है कि R1 = R/ρ, तो जब R1 रेसिप्रोकल में है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ρ/R। क्लियर यस सर। है, अभी ये आपने टेम्परेचर को T2 = T1 × ρ लिख लिया और T3 भी आ गया। अभी कंप्रेशन का जो प्रोसेस है 4 से 1 तक, उसमें आपको पता है T1/T4 = V4/V1^γ-1 होता है, और V4/V1 क्या है, वो कंप्रेशन रेशियो है, तो वो R से डिनोट करते हैं, तो हम फिर से T1
इन टर्म ऑफ टी फोर ये लिख लेंगे, क्लियर, ये लिख सकते हैं ना इसे। तो अभी आपने टी वन में क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू ऑफ टी वन इन इक्वेशन वन एंड टू। जो इक्वेशन वन थी उसमें टी वन और इक्वेशन टू में टी वन पुट करना है, वो कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें आपके पास टी वन की कौन सी वैल्यू थी, ये देखें आप टी टू थे इधर, आप इसमें टी वन की वैल्यू, इसकी टी वन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू टी फोर आर की पावर गैमा माइनस वन इंटू रो, क्लियर है ये। और इसी yes. इसी तरह से ये जो टी थ्री की वैल्यू है इसमें भी ये टी टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, टी थ्री इज इक्वल टू टी टू इंटू रो की डिवाइडेड बाई आर की पावर गैमा माइनस वन। तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपने टी टू की वैल्यू जो ये अभी एलिमिनेट की है ये इधर पुटअप कर दी इसी तरह से। जी सर। तो जब आपने वैल्यू पुटअप की तो आपको पता है ये पी रो की पावर गैमा माइनस वन प्लस वन होगी, तो ये रो की पावर क्या बचेगी, गैमा, इसी तरह से। और आर की पावर गैमा माइनस वन थी और इधर आर की पावर गैमा माइनस वन थी, ये आपस में क्या होगा, कैंसल आउट हो गई, ये आर और ये आर की पावर, क्योंकि इस पर भी ये पावर थी और इस पर भी थी, ये कैंसिल आउट हो गए। और ये जो रो के ऊपर थी, ये रो के ऊपर गैमा माइनस वन प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा, रो की पावर गैमा, और ये टी फोर एज इट इज इधर आ जाएगा। तो ये टी थ्री इज इक्वल टू क्या हुआ, टी फोर प्लस रो की पावर गैमा, क्लियर है। यस यस सर। नेक्स्ट क्या हुआ, एफिशिएंसी का रिलेशनशिप। अभी ये हमने सारा काम क्यों किया, आपने जितनी भी टर्म्स थी टी वन टी टू और टी थ्री, ये देखे टी वन टी टू टी थ्री, इन सबको इन टर्म्स ऑफ टी फोर लिख लिया इसी तरह से, वो टी फोर इटसेल्फ वैसे ही रहेगा। तो जो एफिशिएंसी का रिलेशनशिप था वो हमने ये वाला देखे, इधर एफिशिएंसी का ये वाला जो रिलेशनशिप था, इसमें टी थ्री टी टू और टी वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी फोर पुटअप कर ली, इक्वेशन स्टैटिक थी जो हमारी, जब वो आपने पुटअप की तो ये वाली इक्वेशन बनती थी इसी नाम से, यही बनेंगी ना। यस सर। तो अभी टी फोर इसमें क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर से भी कॉमन ले लिया टी फोर नीचे से भी, तो ये कैंसल आउट हो जाए इसी तरह से। तो ऊपर क्या बचा, रो गैमा माइनस वन, ठीक है। yes, sir. अभी नीचे क्या होगा ये आप देखें, आप इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ये, तो ये कॉमन yes. आ गई इधर, ठीक है। अभी ये वाली जो टर्म थी ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और माइनस वन के साथ भी, तो इस टर्म से हम इसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं बच्चे? जी सर। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया। ये रिलेशनशिप क्यों फाइंड आउट किया, अगर तो आपके पास टेम्परेचर की टर्म्स में दिया है तब तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडियाबेटिक इंडेक्स नहीं है लेकिन आपको एयर का एडियाबेटिक इंडेक्स पता है, अगर एयर को एज ए मीडियम यूज़ करें तो वो अंडरस्टूड है 1.4 होगा गैमा उसका, तो कट ऑफ रेशियो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं दो वॉल्यूम्स गिवन है और आप कंप्रेशन रेशियो अगर उसकी फाइंड आउट कर लें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एफिशिएंसी, या आपको गिवन है तो ये डिफरेंट तरीके से आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में न्यूमेरिकल आ सकता है, क्लियर है बच्चे? यस सर। जो एफिशिएंसी होती है आइडियल डीजल साइकिल की वो लेस देन आइडियल ऑटो साइकिल होती है, क्योंकि कट ऑफ रेशियो हमेशा ग्रेटर देन वन होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू ऑटो साइकिल व्हेन ब्रैकेट एटम अप्रोचेस टू यूनिटी, जब ये वाली टर्म अप्रोच कर जाए यूनिटी को तब ये देखेंगे एफिशिएंसी जो है वो इक्वल टू ऑटो साइकिल होगी, वैसे हमेशा ये ग्रेटर देन होती है क्योंकि ये टर्म हमेशा ज़्यादा उससे बड़ी होती है, कुछ ना कुछ ये फैक्टर वैल्यू देगा ना इसी तरह से ना, ये 1. समथिंग। अभी ये एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल 6.15, इसमें क्या है, एक डीजल इंजन है जो कि कंप्रेशन रेशियो है जिसकी 13.5
13:1 एंड द फ्यूल इज कट ऑफ एट 8% ऑफ द स्ट्रोक, जो आपका स्ट्रोक है उसका 8% पे कट ऑफ कर रहा है। हमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है। आपको क्या दिया है, कट ऑफ टेक प्लेस कर रहा है 8% पे स्ट्रोक के, तो वॉल्यूम कट ऑफ कहाँ पे कर रहा है, ये देखें, आपको मैंने बताया था कि ये देखें, ये इस तरह से होता है ना, ये वी वन है और ये वी टू है। वी वन क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, वी वन इज इक्वल टू वी क्लियरेंस वॉल्यूम। ये वी वन से प्लस करेंगे 0.08% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम जो स्ट्रोक उसने किया, तो वो ये वी टू आएगा, क्लियर है। तो ये वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस 8% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अभी स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है कि जो आपका वी फोर है उसमें से माइनस कर दें वी वन तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। वो किस तरह से आता है ये देखें, इसी तरह से है ना, ये आपका थ्री है ये फोर है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम किस तरह से आएगा, ये फोर है और ये वन, इनके इन बिटवीन जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी तरह से अगर इस ये वॉल्यूम हमें पता हो और इसमें से जो इससे पहले वी वन से वो निकाल दें तो हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ये वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस 8% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, वी वन प्लस 0.08 इंटू वी फोर माइनस वी वन। तो अभी हमें ना वी वन पता है ना वी फोर, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक मीटर है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, जब 1 क्यूबिक मीटर हम उसे अज्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि वी फोर ओवर वी वन हमें पता है कितना है, पता है ना 13 है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 13 आ जाएगा। सर ये अज्यूम करना है या फिर रेशियो में से निकालना है, r is equal to v4 ये v1 over v1. ये v1 अज्यूम करना है, v4 वो रेशियो से निकालना है। जी सर, क्लियर है। जी सर, ये नहीं है कि ये 13 ओवर 1 है तो ये 1 इधर से आ गया, इस तरह से बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। ये 2 भी हो सकता है, ठीक है, v1 आप 2 पुट कर दें तो ये 26 हो जाएगा v4, ठीक हो गया। जी सर, अभी v4 माइनस v1 आपने स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या आया, 12 क्यूबिक मीटर। तो हमने ये वाला डाटा जब इधर पुट किया तो हमारे पास v2 की वैल्यू 1.96 क्यूबिक मीटर आ गई, और कट ऑफ रेशियो निकालनी थी तो उसके लिए v2 ओवर v1 किया तो वो कट ऑफ रेशियो हमारे पास 1.96 आ गई। ये डाटा जब आपने पुटअप किया तो आपके पास एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि हमें गैमा चाहिए था, गैमा आपको पता है एयर के लिए क्या होता है, क्योंकि इसमें इधर कहीं ना कहीं ये इसने क्वेश्चन में कह दिया कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने, एयर जब एयर का वर्ड आ गया तो इसका सिंपली जी बच्चे सर सुबह की ना लाइट नहीं है हमारे यहाँ सर, मोबाइल बंद होने वाला है। अब इसका क्या सलूशन है, सीयर क्लास सीयर जी सर, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं इन्हें क्या कहूँ सर, 18 पार्टिसिपेंट का मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया सब में उसमें इंक्लूडेड है क्या ना। जी सर, मैं अपने खुद जिम्मेदार हैं जो अपने लाइट्स के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये क्लास नहीं, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा बच्चे, आपका ही होना है जो भी नुकसान होना है या फ़ायदा होना है, मेरा काम तो आपको डिलीवर करना है, जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये कट ऑफ रेशियो आ गई आपके पास और इनको पुट अप करके ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये गैमा अंडरस्टूड है 1.4 होगा, ये इधर गिवन भी है एयर के लिए। वैसे आपको मैंने बताया था जब मैंने ये गैमा का टॉपिक पढ़ाया था एडियाबेटिक इंडेक्स का, कि एयर के लिए हमेशा स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह से था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है 6.16, इसमें क्या करता है, वो कहता है कि एक आइडियल डीजल इंजन साइकिल है जिसके टेम्परेचर दिए हुए हैं कि बिगनिंग पे टेम्परेचर क्या होगा और एंड पे क्या होगा ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। आपको पता है कंप्रेशन का प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 से 1 तक कंप्रेशन हो रही थी ना, ये अभी डायग्राम प्लॉट की थी यार, ये डायग्राम जब तक आप प्लॉट नहीं करेंगे, ये बुक में आपके प्लॉट नहीं की हुई, लेकिन जब तक आप लोग प्लॉट नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पीवी डायग्राम प्लॉट करनी है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, जब तक आप प्लॉट नहीं करेंगे आप गलत करेंगे क्वेश्चन को। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या हो रही है हीट
रिमूवल हो रही है या आपकी कूलिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एडिशन या हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह से तो जब आपको उसने कंप्रेशन के टेम्परेचर और वो दिए हुए हैं, आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसी तरह से ये देखें दोनों यस सर, टेम्परेचर दिए हुए हैं, बिगनिंग पे 4 पे आपको दिया और एंड पे। तो बिगनिंग आपकी कहाँ से हो रही है, 57 डिग्री सेल्सियस से, इसको कैलवर में कन्वर्ट ज़रूर करना है। तो ये T4 आ गया और ये T1 आ गया, क्योंकि ये एंड पे है और ये बिगनिंग है इसकी, उस प्रोसेस की। और उसके बाद क्या है, टेम्परेचर एट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ एक्सपेंशन। बिगनिंग कहाँ पे हो रही है इसकी एक्सपेंशन की, 2 पे। तो T2 आपका 90-50 है और फाइनल T3 जो है वो 870 है। हमें डिटरमिन करनी है इसकी आइडियल एफिशिएंसी साइकिल की, जिसमें गैमा हमें दिया हुआ है 1.4। क्लियर है बच्चे? तो आपको पता है जब चारों टेम्परेचर दिए हुए गैमा गिवन है तो आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहता है कि अगर कंप्रेशन रेशियो, यानी कि अगर आपकी आर 14 हो जाए एंड द प्रेशर एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन, और जो प्रेशर है एट द बिगनिंग यानी कि P4 वो 1 bar हो जाए, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल। तो आपको पता है प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 1 पे। तो आपको P4 गिवन है, तो आप किस तरह से निकालेंगे बताएं मुझे। ये देखें, आपको पता है मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल क्या है, P1 है। तो हमने इसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक लिया, P1V1 गामा इज इक्वल टू P4V4 गामा, और P1 is equal to P4 into V4 over V1 गामा। आप ये V4 over V1 क्या है, ये आपको उसने कंप्रेशन रेशियो R गिवन किया है 14। क्लियर है? तो P4 आपको गिवन है 1 into 14 की पावर 1.4। तो आपके पास मैक्सिमम प्रेशर जो P1 था वो आ जाएगा 40.23 bar। क्लियर है क्लास? यस यस सर। नेक्स्ट है एग्जांपल 6.17। ये देखें आप लोग, समझ आती है नहीं? एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही। इसमें क्या है, एक आइडियल इंजन है, ठीक है बच्चे? इसको मैं साइड पे मूव कर दूँ। एक आइडियल डीजल इंजन है जिसका डायमीटर और स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है? आपको पता है जब स्ट्रोक और डायमीटर दिया हो तो हम उससे स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसी तरह से द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10%, जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो 10% है स्वेप्ट वॉल्यूम का। तो आप क्लियरेंस वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जब स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे उसका 10% निकाल लें तो आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से डिटरमाइन करनी है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है, आर आपने फाइंड आउट करना है। तो आर आपको पता है क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को ऐड कर लें अगर। इसी तरह से था डिटरमाइन कर ली कंप्रेशन रेशियो। उसके बाद उसने कहा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी, इफ़ कट ऑफ टेक प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक। जो कट ऑफ है उसने वो कह दिया, वो क्या है, 6% ऑफ द स्ट्रोक है। तो आपको पता है कट ऑफ क्या होता है, V2। तो V2 क्या है, V1 प्लस, आपको पता है वो हमेशा इसी तरह से अक्कर करेगा ना। ये देखें, ये डायग्राम थी इसी तरह से। तो ये V1 है, ये V2 है, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम V1 है इसी तरह से। तो जब भी वो ये कट ऑफ करेगा तो ये V1 प्लस कुछ परसेंटेज ही होगी ना जहाँ पे वो करेगा, इसी तरह से था ना। तो वो कह देता है ये स्वेप्ट वॉल्यूम जो है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है तो इसके इन बिटवीन है कहीं। तो ये VS का वो कह देता है 0.06 लें तो ये V2 आ जाएगा। क्लियर हुआ है क्लास? क्लास क्लियर हुआ है ये कंसेप्ट? बच्चे साथ हैं मेरे? यस
किसी को समझ नहीं आ रही। ताबे रसूल है 9111। यस सर, बच्चे सर समझ यहाँ नहीं से आ। सर ये एक बार दोबारा करा दें सर। तो जब मैंने पूछा था तब क्यों नहीं बोल रहे। बात तो ये है 9106 अली रजा, 9106 अली रजा, 9106 नहीं है क्लास में। बच्चे समझ आ रही है आपको? जी सर काफी हद तक करा रही है, बाकी सर भी देखते हैं दोबारा इसको फिर आ जाते हैं। 9121 मदसर नहीं। बच्चे अटेंटिवली बैठे हैं आप लेक्चर, क्योंकि ये फाइनल के लेक्चर में आपको पता है फाइनल की वेटेज ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। चलें खैर, ये क्लेंस वॉल्यूम जो था आपका 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम आएगा तो वो 0.1 ऑफ VS हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया अभी, क्लेंस वॉल्यूम भी निकाल लिया, स्वेप्ट वॉल्यूम भी निकाल लिया, और उससे आपने कंप्रेशन रेशियो निकाल ली है VC प्लस VS ओवर VC का रिलेशनशिप, जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो उसके बाद आपने एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है जबकि कट ऑफ टेक प्लेस करेगा 6% ऑफ द स्ट्रोक पे। तो कट ऑफ कौन सा पॉइंट होता है? V2 होता है। तो V2 क्या है? V1 प्लस 0.06 ऑफ VS। तो VC प्लस आपका आ गया VC प्लस 0.06 ऑफ VS। तो VS आपको पता है क्या है? आपका VS आपका 3.53 × 10⁻³ था, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से, प्लस करेंगे क्लेरेंस वॉल्यूम जो कि 0.353 × 10⁻³ था। तो इसको सॉल्व करके आपके पास V2 आ जाएगा। क्लियर है? तो कट ऑफ रेशियो क्या होगी? कट ऑफ रेशियो है V2 ओवर V1। तो V2 ओवर V1 क्या है आपका? वही है जो क्लेरेंस वॉल्यूम था। तो V2 ओवर क्लेरेंस वॉल्यूम करेंगे तो आपके पास कट ऑफ रेशियो 1.6 आ गई। तो अभी हमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए हमें कट ऑफ रेशियो चाहिए होती है, वो भी हमें गिवन है। गामा एडियाबेटिक इंडेक्स भी हमें पता है इसी तरह से ना, 1.4। तो आपके पास जो कंप्रेशन रेशियो थी वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये ऊपर 11। तो वो पुट अप करेंगे तो आपके पास एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। ये आपकी एग्जांपल 6.18 है, ये भी आपने देख लेनी है, ये भी सिमिलर है उसी के। इसमें सिर्फ ये मेन इफेक्टिव का रिलेशनशिप है जो कि वर्क डन डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ये भी आप देख ले। उसके बाद ये एग्जांपल 6.19 है, इसमें क्या है आपने फाइंड करनी है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर द ऑटो एंड डीजल साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल कंप्रेशन रेशियो। जब आपकी कंप्रेशन रेशियो जो है वो 10 एंड इक्वल हीट रिजेक्शन, वो हीट रिजेक्शन जो है 2 से 3 वो 840 किलो जाउल पर किलोग्राम, और प्रेशर P3 आपको गिवन है 1 bar, और टेम्परेचर भी 328 केल्विन गिवन है। ये आपकी TS डायग्राम में टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, और दूसरी आपकी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये TS क्या है, एंट्रोपी क्या है, ये अभी हम आज ही लेक्चर में पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये आपने न्यूमेरिकल कर लेना, 6.18 और 19 आपने करना है। ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हीट इंजन वर्किंग ऑन डुअल कम्बशन साइकिल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ऑटो साइकिल पढ़ा था। ऑटो साइकिल में आपका क्या हो रहा था? जो आपकी हीट एडिशन होती थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती थी इसी तरह से ना, हीट एडिशन आपकी किस पे हो रही थी ऑटो साइकिल में? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसी तरह से ना। अभी जो आपने डीजल साइकिल पढ़ा उसमें क्या हो रही थी? कांस्टेंट प्रेशर पे।
अभी हम जो प्रोसेस पढ़े हैं ये डुअल कम्बशन साइकिल है, इसके नाम से पता लग रहा है इसमें दो कम्बशन साइकिल्स होते हैं। तो इसमें आपकी जो हीट एडिशन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है 5 to 1, और 1 से 2 तक क्या हो रही है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और बाकी प्रोसेस वही है कि एक्सपेंशन हो रही है, कूलिंग हो रही है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंट्रैक्शन हो रही है। क्लियर है क्लास? क्लासिक डायग्राम क्लियर हुई बच्चे? क्लियर हुई डायग्राम के नहीं? यस सर। अभी इसके मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि आपकी डेरिवेशन इंजन के साइकिल्स के रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं ऑलरेडी, क्योंकि कॉर्नर भी कर लिया आपने, ऑटो भी कर लिया, डीजल भी कर लिया। तो ये डुअल कम्बशन साइकिल का सिर्फ फाइनल रिलेशनशिप आप जहन में रखें कि इसका क्या होता है, ये इसका रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर इसमें ऑटो साइकिल के लिए करना है तो आपको पता है कि कट ऑफ रेशियो जो थी वो उसका कंसेप्ट कहाँ पे आया था, डीजल साइकिल में। तो कट ऑफ रेशियो को इसमें 1 पुट कर दें, जब ये 1 पुट करेंगे आप तो 1 की पावर जो भी होगी वो 1 ही होगी, तो ये टर्म पूरी क्या होगी 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। इसी तरह से जीरो। तो ये वाली जो एफिशिएंसी का रिलेशनशिप है ये सिमिलरली वही आ जाएगा जो कि आपका ऑटो साइकिल का था। इसी तरह से ये एक अल्फा डैश के साथ टर्म है जिसको हम प्रेशर रेशियो के नाम से डिनोट करते हैं, क्लियर है? तो जो अल्फा डैश है वो हम अगर 1 कर दें उसी रिलेशनशिप में तो हमारे पास डीजल साइकिल का रिलेशनशिप आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो इसके रेलिवेंट भी न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, आपके नोटबुक पे होंगे, 1-2 सॉल्व करने आ जाएंगे आपको, डिफरेंट मेथड से ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 6.18 और 19 आपने ज़रूर कर लेने, और उसके बाद आपको ये भी सारा कुछ बता दिया, ये सारा कुछ देख लीजिएगा प्रोसेस डायग्राम वगैरह। अभी आज हम एंट्रोपी ऑफ गैसेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ये ब्रेक करनी है कि कंटिन्यू रखें? जी बच्चे सर सेशन तो एंड होने वाला है, फिर 5 मिनट की कर लेते हैं ब्रेक। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्लास जिस तरह सजेशन देते हैं जिस तरह से आपको इजी है उस तरह से बता दें, आप रिलैक्स हैं। अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, अगर ब्रेक के बाद आना है तो वो बता दें मुझे, लेकिन बता दें अभी क्लास जिस तरह से भी सब। जी बच्चे बताएं, जो चाहते हैं ब्रेक हो वो हैंड रेज कर दें, कोई नहीं चाह रहे ब्रेक? इसका मतलब ज्यादातर स्टूडेंट चाह रहे हैं कि ब्रेक ना हो, 3 लोगों के हैंड रेज हुए हैं जस्ट। तो ठीक है फिर ये है कि कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन, 5 मिनट का कर लेते हैं ब्रेक, 2:35 पे दोबारा से ज्वाइन कर। ठीक है, 2:35 पे आ जाएं आप सब लोग।